नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। खबर आ रही है झांसी में अनेक स्थानों पर अवैध रूप से प्लाटिंग की जा रही है, जिसमें प्लाटिंग करता सरकारी नालों को भी समतलीकरण कर प्लाटिंग कर बेचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। पूरा मामला मौरानीपुर तहसील के ग्राम खरकासानी मौजा में नाले की भूमि नंबर 95 को भूमाफिया ने समतलीकरण कर अपनी भूमि में शामिल कर प्लाटिंग कर बेच दिया, जिससे उप क्षेत्र में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिसे लेकर मोहम्मद अजीज पुत अब्दुल लतीफ निवासी मोहल्ला नदी पार कटरा ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर सरकारी नाले को खुलवा कर भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही सूबे की मुखिया योगी आदित्यनाथ भूमाफिया पर सख्त कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। वहीं पर मौरानीपुर में अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी जमीनों तथा नालों पर कब्जा कराया जा रहा है। मोहम्मद अजीज, क्या मामला है आपका? ये है कि खरकासानी में, मौजा खरकासानी में एक भूमाफिया है। इन चार जो चार भाई है, चारों भाइयों की एक जमीन थी 86 नंबर 89 नंबर। उसके बीच में एक सरकारी नाला निकला हुआ था 95 नंबर का, भूमि नंबर है उसकी। जो सरकारी नाला को पाट करके प्लाटिंग कर दी गई, लाखों रुपए की हेरा फेरी की गई, उस नाले को ही गोल कर दिया गया। आज माननीय जिलाधिकारी जी को प्रार्थना पत्र भी दिया गया है इस बारे में। उन्होंने कहा हम उचित कार्रवाई कराने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ तक का लामा जो नाला था वो जाम कर दिया गया है? पूरा का पूरा नाला पटा हुआ है। इसको कितना समय हो गया है? काफी समय हो गया है। इस समय तो देखने में वो पूरा खेत नजर आता है, नाला तो बचा ही नहीं है। पूरी जमीन, जबकि रिकॉर्ड में नाला दर्ज है। उस नाले पे अभी कोई निर्माण किया गया है? वहाँ पर इन लोगों ने प्लाट बेच दिए हैं, मकान भी वहाँ बनने लगे हैं। अभी आपको क्या आश्वासन दिया? हमें ये आश्वासन दिया गया कि उसको उचित कार्रवाई की जाएगी।